बड़ा विषय आई औषध आयुर्वेदिक औषध आणि काही प्रकारचे घरगुती उपचार या संदर्भात सर्वांनी काही रिसर्च केलेला आहे. त्यांनी काही औषध स्वतःहून तयार केलेले आहे आणि त्या औषधांचा चांगला रिझल्ट आपण अनुभवलेला आहे. तुमच्या रेकॉर्डरला आपण दिलेली औषधं आहेत. त्या औषधांचं विशेष असं सर तुम्हाला सांगणार की कुठलं काम कसं प्रोटेक्शन करता येईल आपल्याला कसं कोणाविषयी आपल्याला जागरूकता निर्माण करून काय कसं आपण त्या आजारात आपल्या उपचार घेऊन करतो. त्यांचा विशेष उद्देश असा आहे की तुम्ही लोक सारखं लोकांच्या संपर्कामध्ये असता त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याचा लवकर त्रास होऊ शकतो. म्हणून छोटे छोटे घरगुती इलाज देखील सरांनी काही केलेले आहे. ते तुम्हाला फक्त सांगायचं आहे. चक्कर में अगर चीटियाँ हो गई तो हम उसमें लौंग डालते हैं. कुछ लौंग डालने से वो चीटियाँ मर जाती क्योंकि उसका स्मेल उनको पसंद है. तो ये जो भी जर्म्स है बाई जो भी बैक्टीरिया है ये भी इसी प्रकार से खाता है. जैसे आपके मुंह में आपने एक लौंग लग कर रखी थोड़ा सा चबा लिया हो तो क्या होगा वो लौंग का स्मेल आपके मुँह में रहेगा. तो उसके स्मेल से वो बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर जाने की संभावना कम हो जाएगी. मैं ऐसा नहीं बोलता जाएगा नहीं क्योंकि ये गलत हो रहा है. तो वकील आदमी तो ऐसा स्टेटमेंट करना गलत संभावना कम हो जाएगी. अब इसमें आप नीलगिरी का तेल प्रयोग करो. नीलगिरी का तेल थोड़ा सा इस मास्क को लगा दो तो ये मास्क के नजदीक आने वाला जो बैक्टीरिया है वायरस है वो क्या करेगा. यहाँ पे आपने जान लगा दिया है जैसे आपको पुलिस वाले ने आप मुझे समझता है रास्ता बंद रक्षा करना है तो आप क्या करते हैं उसमें बैरिकेड लगा देते हैं. तो ये बैरिकेड का काम कौन कर सकता है. दिल गिरी का तेल कर सकता है ना. किसी रंग के लिए लगाएंगे. तो ड्यूटी पर आते समय आप क्या कर सकते हैं. अभी फार्मेसी में नीलगिरी का वो रोलर मिलता है जो अपने पास में एक तरीके से ज़्यादा खर्चा नहीं होता. थोड़े थोड़े देर बाद में सिर्फ मास्क के ऊपर थोड़ा रोलर घुमा दो ना. आपके यहाँ बच्चे हैं तो बच्चों को कपड़े पे आप वो नीलगिरी का तेल का रोलर घुमा दो उससे बैक्टीरिया उससे दूर रहेंगे. कितना कर सकते हैं हम आसानी से कर सकते हैं. अब उसके बाद में मैं एक एक पॉइंट पे आ रहा हूँ. आपको मैं वो सब इसको रिकॉर्ड करके अपना भंडारा पुलिस स्टेशन में जो कल मेरा कार्यक्रम हुआ तो वो सब मैंने अपने जो दिया है उनको सब वीडियो देख के आए ताकि वो सर्टिफिकेट करेंगे ताकि जिन्होंने कार्यक्रम अभी नहीं किया वो वीडियो देख करके वो समझ लें. तो आपके हमें नींबू होता है हर कोई खाता है नींबू. नींबू का रस निकलिए रस निकालिए और दो दो घूंट अपने दोनों नाक में डाल हफ्ते में एक बार ये प्रिवेंटिव करके डाल. यानी कोई भी इन्फेक्शन की शुरुआत होती है तो ये नाक से मुंह से और आंखों से होती है. तो पहले नींबू का रस हम नाक में हफ्ते में अगर एक बार छोड़ेंगे तो अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन की शुरुआत हो गई है तो उससे मुक्त हो जाओ. आसान है कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं. उसके बाद में गाय का घी अगर है आपके पास में तो घी की भी दो बोले इस नाक में इस नाक में दो बोले जाके छोड़ दो. इससे क्या हो जाएगा ये जो आपका पास है ये जो सांस लेने वाला पास है ये उसके ऊपर ऑयल आ जाएगा. जब कोबरे का तेल नहीं उसके पास में गाय का घी नहीं है तो कोबरे का तेल आपके घर में हर घर में रहता है दो दो बूंद से क्या होगा वो साइंस में समझ में. जैसे हम अचार घर के घर में अचार होता है अचार के ऊपर तेल का अगर लेयर है तो अचार खराब नहीं होता बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं जाता. वो तेल ये ऐसा आवरण है वो बैक्टीरिया को हमारे पर इन्फेक्शन नहीं होने देगा. तो अपने आप ही अपना बचाव होता है. उस साधे साधे बात जैसे
आपने नींबू का किया वैसे इख्तियार। अभी किसी को कफ हो गया, बच्चों को कफ होता है तो उसको हम तुरंत बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए प्याज बहुत होता है, हर घर में होता है। अगर लाल कलर का प्याज आपको मिलता है तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन कोई भी प्याज काम का है। उसको कूट लीजिए, कूटने के बाद में उसको निचोड़ करके कपड़े से उसको उसके रस निकाल दीजिए, और तीन चम्मच, केवल तीन चम्मच एक बार पेट में जाने दीजिए। इससे क्या होता है, कफ मल के द्वारा बाहर आ जाएगा, या तो वोमिटिंग हो जाएगी, उससे वो कफ पूरा चिकन बाहर आएगा। तो उसको हटाने के लिए प्याज ये एक ऐसा गुणकारी इलाज है जो आयुर्वेद में किया जाता है। आप लोगों को याद होगा कि आपकी माँ वगैरह जो है अगर भूल कर दी तो प्याज को भून कर उसका रस निकालकर हाथ और पैर को बना दी, तो ये भी एक प्याज का गुणकारी इलाज है। इसके बावजूद अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो बुजुर्ग लोगों को पहले बचाना पड़ता है, तो उनको क्या कर सकते हैं आप, गिमसेनी कापूर आता है, गिमसेनी कापूर बोलते हैं उसको, सादा कापूर वो जलाते हैं वो नहीं रहता, वो खड़े का जला रहता, वो गिमसेनी कापूर को फूट लेते हैं और उसके सिराने या बिस्तर में थोड़ा थोड़ा पाउडर, वो जैसा स्टरलाइज होते हैं ना ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइज, तो वैसा उनका बिस्तर स्टरलाइज होता है, यानी वो कापूर का जो फ्यूम्स है वो उनको किसी भी ये रोग जंतु से बचा ले गया, उनके बिस्तर से वो रोग जंतु नहीं जा पाए, तो जिनसे भी कापूर ये भी एक इलाज है। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल इलाज आता है। उसके बाद में अगर आपके घर में कोई ऑक्सीजन का कमी हो रही है, आपके यहाँ पे हॉस्पिटल में यहाँ पे पुलिस स्टेशन में ऑक्सीमीटर रखा होगा ना, उंगली पे लगा के देखते हैं कितना ऑक्सीजन लेवल लगाना चाहिए, 95 से अबव रहना, लेकिन किसी भी कमी आती है तो उसका इलाज करना है। 5 मिनट में आपके ऑक्सीजन लेवल और वही हो जाए। क्या करो, हमारी माँ हमको पंक्तियाँ देख करके सुधारती है, तो आपके पीठ के ऊपर टैपिंग वो ऑक्सीमीटर लगा के रखो, अभी आपको प्रयोग करना है तो मैं अभी यहाँ पे उसको प्रूव कर सकता हूँ, काफ़ी जल्दी 94-93 जिसका अभी ऑक्सीमीटर बता रहे हैं, उसको ऑक्सीमीटर लगा के रखो 2 मिनट तक, उसकी पीठ पे ऐसे उससे तुमको दिखेगा कि वो ऑक्सीमीटर जो है वो 94 से लेकर के ऊपर 98 तक चला गया, वो 5 मिनट में आप प्रूव कर सकते, ये सब बहुत बात है। जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है उसको घर में आप लोग गीता जी को या माता जी को आप करके आप एक काम कर सकते, कोई भी तेल लो, नवरत्न लो या तो थोड़ा मिक्स ले लो या तो और पीठ पे उसको रब करो और टैपिंग, आपको दिखेगा कि उसका जो भी थाप लगी है वो ऑक्सीजन उसका ठीक होने लगेगा। ये प्राथमिक उपचार है, इसका मतलब डॉक्टर के पास मत जाओ ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे सांप काटने के बाद में हम पहले क्या करते हैं, वहां पे चीरा मारते हैं, यहाँ से बांध देते हैं और यहाँ पर फूल कितना निकाल सकते निकाल देते हैं, उसी प्रकार से कोरोना अपने पास आज में तो सब है, इम्यूनिटी आपके अंदर आना चाहिए। अभी इम्यूनिटी कैसे आएगी, कोई दवाई आपको इम्यूनिटी नहीं दे सकती, इम्यूनिटी के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ योगा करना पड़ेगा, ये जब तक नहीं करो फिर दवाई उसमें आपको काम करेगी नहीं करेगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन
केवल दवाई से इम्यूनिटी मिलती है, देश को अगर तंदुरुस्त है आपके सभी ऑर्गन तंदुरुस्त है, लीवर तंदुरुस्त है, आपकी किडनी तंदुरुस्त है, आपका इंटेस्टाइन तंदुरुस्त है, तो आप एंटीबॉडी आराम से तैयार कर सकते हैं। अभी मैं मेरे आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत मैं पुणे गया, मैं मुंबई गया, मैं हर जगह कोरोना के पेशेंट से मिला। यहाँ पे भी जो वीडियो बचपन साहब ने आपको बताया है, मैं कोरोना सेंटर में जा करके कोरोना पेशेंट से मिल के उसको समझा के या इस प्रकार से कहानी ऐसा समझा के आता, मेरे घर में मेरा विरोध हो रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं, या आपको क्या जरूरत है। मेरे को जरूरत यह है कि मेरे साथी जो है भी है वो बचा बचना है। अगर मेरे इस नॉलेज से अगर आप में से किसी ने अपने दोस्त भाइयों से शेयर करके इसकी जान बच सके तो मेरे लिए वही बोल है। मैं पैसे कमाने की बिजनेस करने सिर्फ प्रोडक्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई लेना चाहता है, अगर किसी को लगता है कि ये प्रोडक्ट तो ठीक है, आपका शरीर एक किला है और आप उसके सरदार हैं। उस किले में आप रहते हैं, अब उसकी रखवाली कौन करेगा? आप खुद हैं, जो जिम्मेदारी आपकी है। अब किले के दरवाजे बहुत कमजोर हैं, जहां से कोरोना अटैक करता है वो दरवाजे कौन से हैं? इसीलिए आप डॉक्टर अपने घर में आप आयुर्वेदिक एक बोल कर सकते हैं, महासुदर्शन काढ़ा। ये आयुर्वेदिक ऐसा काढ़ा है जो भूमि नीम का जो पौधा होता है उसके माध्यम से उसको बनाया जाता है। आयुर्वेद में वो हर प्रकार का जो बुखार है उसी को दवा है, तो महासुदर्शन काढ़ा में वही दवा का हमने प्रयोग किया। किसी भी कंपनी का अपने घर में रखो, इससे क्या हो जाएगा, हल्का सा भी बुखार आता है किसी भी घर के मेंबर को, उसको तुरंत एक पांच प्रतिशत काढ़ा का लेना चाहिए, तुरंत वो हमें उसमें से कुछ ऐसी आयुर्वेदिक है जिसको मिला करके एरोमैटिक शील्ड बनाया। तो शील्ड की कैप्सूल जो है वो उसको खोलो और पाउडर आपके जबान पे 5 मिनट तक पानी मत पीजिए, वो जो जड़ी बूटियाँ है उसको अपने मुंह में घोलते रहिए। 5 मिनट पानी आपको दिखेगा कि आपका जो वायरल बोर्ड है हर जो साफ से लग रहा था वो सब निकल जाए। केवल 2 कैप्सूल एक कोर्स से आपके घर दिखे, लेकिन इनिशियल स्टेज ज़्यादा बढ़ जाए रोग ज़्यादा बढ़ जाए रहा मत लेते, लड़ाई है ना, पहला जैसा दुश्मन का अटैक लगेगा तो नहीं उसको खत्म करो, दुश्मन को अपने पर हावी मत करो, कितना कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप अपना ध्यान रखिए, आपकी जान हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, उसका ध्यान रखिए। और ये यहाँ पे आए आप लोगों से वार्तालाप करने का मौका मिला, मौका दिया आप लोगों ने, नहीं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आपका
प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तीन दो जो आपको लगता है तो वो लेने का ये ऐसी पाउडर है इसका रिजल्ट ऐसा मिला है शाम लेने शाम को इसको ऐसे भी पत्नी मारे आप